हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन आपको कैसे लगा। तो दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं PGT एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में। टोटल 10 यूनिट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसका PGT होता है, उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। तो इसमें 10 यूनिट टोटल हैं, अगर हम PGT के सिलेबस के बारे में बात करें तो पहली यूनिट है जनरल एग्रीकल्चर। इसमें देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर, इट्स इम्पोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, स्कोप ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये है फर्स्ट यूनिट में। दूसरे यूनिट में देखते हैं एग्रोमीटरोलॉजी आती है, तो छोटी सी यूनिट है एग्रोमीटरोलॉजी की। एग्रोमीटरोलॉजी क्लाइमेटिक एंड वेदर एलिमेंट्स एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वेदर फॉरकास्टिंग, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, रैन फेड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नेचुरल डाइस्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड, ETC एंड देयर माइटिगेशन, यानी उसके दूर करने के उपाय। तो ये था आपका एग्रोमीटरोलॉजी। और हम अगर तीसरे यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आती है आपकी सोयल साइंस एंड सोयल फर्टिलिटी। तो इसकी थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो इसमें देख लेते हैं सोयल एंड इट्स डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स। तो सोयल का परिभाषा और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सोयल फार्मेशन। तो सोयल फार्मेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, सोयल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करना है, एरोजन, बी एरोजन, सी एरोजन, किसको एल्यूवियल कहते हैं, किसको एल्यूवियल कहते हैं, और सारे उसके डिटेल, सोयल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड देयर करेक्टरिस्टिक। तो इंडिया में ICR के द्वारा 8 टाइप के सोयल होते हैं, प्रॉब्लम सोयल जैसे सलाइन सोयल, एसिडिक सोयल, कैलकेरियस सोयल एंड देयर रिक्लेमेशन, उनके सुधार के उपाय, सोयल प्रॉपर्टीज, सोयल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, सोयल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सोयल, प्रोडक्टिविटी एंड सोयल हेल्थ, सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो सोयल इरोजन करना जैसे वाटर इरोजन होता है RKLSCP, और विंड इरोजन होता है फिल्ड कैपेसिटी वाटर डेवलपमेंट बोर्ड IRC के। तो ये सब होते हैं इसके फैक्टर होते हैं। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो जैसे आपने स्टार्ट ने दिया था कि आपका 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, मैक्रो माइक्रो, और जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइक्रो होते हैं। देयर फंक्शन एंड डिफिशेंसी सिम्टम्स, तो जैसे आपको डिफिशेंसी सिम्टम फंक्शन पढ़ना, उनके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम के जो सिम्टम होते हैं ओल्ड लीफ पे आती हैं, बाकी आयरन, मैग्नीज, इन सबकी मिडिल लीफ पे आती है, जिंक कब मिडिल बीच ऊपर और नई और पुरानी दोनों पे आती है, कैल्शियम बोरान जो कि उस पे आती है टर्मिनल बड पे। तो आपको सब ये पढ़ना है। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूअर, बर्मी कंपोस्ट एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट IMM सिस्टम भी पढ़ना है, जो कि सोयल साइंस में आती है। अब चौथे यूनिट पे चलते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, तो इसमें देख लेते हैं इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो आपका डेफिनेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, हमें जो हम इरिगेशन खेत में सिंचाई करते हैं उनका सोर्स क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, किस किस शेड्यूल अपनाते हैं बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, जैसे क्रिटिकल स्टेज फील्ड क्रॉप की हमारी क्या क्या होती है, जैसे गेहूं की होती है 5 क्रिटिकल स्टेज होता है, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, बाकी सब ऐसे राइस में बूटिंग हुई स्टेज होता है, बाकी सभी जितने पल्सेस होते हैं उसमें पोड फार्मेशन स्टेज होता है, फ्लावरिंग स्टेज होता है, जो कि वाटर के लिए क्रिटिकल होता है, सोयल मॉइस्चर, टाइम इंटरवल एंड वेदर पैरामीटर्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप की, डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे राइस का 1200 हम देखेंगे तो 1200 से 1500 mm होती है, शुगर केन की 1500 से 2500 mm होती है, भीट की 400 से 600 mm होती है, 600 से 800 mm होती है, वाटर इफिशेंसी क्या होता है सभी का, ठीक, मेथड ऑफ इरीगेशन एंड ड्रेनेज, वाटर शेड मैनेजमेंट ये देखना है। पाँचवें यूनिट में आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, यानी इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, काजेज एंड डियर कंट्रोल मीजर्स, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल मीजर्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM देखना है सिस्टम, स्टोरेज पेस्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, प्रिजर्वेशन एंड रेडी रिमीडियल मीजर्स ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स, पेस्टिसाइड एंड देयर फार्मुलेशन, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, देयर केयर एंड
मेंटेनेंस, ये सब आपका प्लांट प्रोटेक्शन 5th यूनिट में आएगा। चलते हैं 6th यूनिट में, देखते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डेफिनेशन देखना है। हेरिडेटरी एंड वेरिएशन मेंडल्स लॉ, जो कि मेंडल्स ने 3 ला दिया था, जबकि जो अच्छे थे वो 2 ही ला थे आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये देखना है। क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हेट्रोसिस एंड एक्सप्लेनेशन, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप लाइक प्लांट इंट्रोडक्शन, डोमेस्टेशन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, क्लासेस ऑफ सीड, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेस्टिंग ऑफ सीड, रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड एजेंसीज इन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। तो ये था 6th यूनिट। आपका 7वां यूनिट है क्रॉप फिजियोलॉजी। तो क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इनहेबिटेशन, सरफेस टेंशन, डिफ्यूजन एंड ओसमोसिस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंजाइम्स, प्लांट पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, फोटोपीरियोडिज्म एंड पर्नलाइजेशन, हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। ये था क्रॉप फिजियोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी मतलब बीड्स, देयर करेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेशन, डिसमिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ बीड विथ क्रॉप, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बीड कंट्रोल, मैकेनिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ बीड, हर्बिसाइड, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट, ओरिजिन हिस्ट्री एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर एंड कमर्शियल क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन्स विथ स्पेशियल रेफरेंस ऑफ क्लाइमेट, सोयल एंड सीड प्रोडक्शन, कल्टीवेटर्स, न्यूट्रिशन, इरिगेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये था आपका एग्रोनॉमी। चलिए देखते हैं हार्टिकल्चर में, जो कि 9th नंबर यूनिट है, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोपागेशन, प्लांटिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ मेजर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, लैंडस्केप ग्रेडिंग इंक्लूडिंग राइजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड लेआउट एंड डिजाइन ऑफ लैंडस्केप गार्डन्स, लॉन्स ईटीसी, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इंपॉर्टेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, केचप, पिकल्स एंड मार्मलेड। तो ये सब आपको पढ़ना है। जबकि 10 नंबर पर आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए बड़ी यूनिट दिख रही है, तो इसमें देख लेते हैं हम फार्म मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट एंड देयर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कास्ट बेनिफिट रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, क्रॉप इंश्योरेंस। और नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हार्टिकल्चर बेस्ड सब्सिडरी इंटरप्राइज लाइक नेसेसरी और मशरूम प्रोडक्शन, एपीकल्चर, बी पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, बर्मी कंपोस्टिंग ETC एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसका सोशियो इकोनॉमिक महत्व क्या होता है, सामाजिक आर्थिक महत्व जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल, इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये था आपका 10 नंबर यूनिट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसके रिलेटेड हम इसका जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था और रियल पेपर, उसका हम वीडियो आपके पास लेके आएंगे, और PGT से रिलेटेड सारे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, मुक टेस्ट भी लाते रहेंगे। और ये था सिलेबस, और नेक्स्ट वीडियो में हम PGT के लिए रेफरेंस बुक के बारे में बात करेंगे। तो चैनल जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इसी तरह एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।